नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तारा सिंह ने दूसरे पड़ोसियों की मदद से दरवाजे का ताला तोड़ा। वे जैसे ही घर के भीतर घुसे, उन्होंने एक कमरे में जॉली को खून से लथपथ पाया। लोगों ने तुरंत नजदीकी आमासिवनी पुलिस थाने में सूचना दे दी। थोड़ी देर में ही एसएचओ दीपक पासवान अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखते ही वह समझ गए कि जॉली सिंह की निर्मम हत्या की गई है। एसएचओ पासवान ने इसकी जानकारी एसपी संतोष सिंह एवं एसपी सुरेश धुरव को भी दे दी। घटना चूंकि पुलिस कांस्टेबल की पत्नी के हत्या की थी, इसलिए दीपक पासवान ने तुरंत नक्सलियों के गढ़ सुकमा बस्तर में डॉग हैंडलर के पद पर तैनात जॉली सिंह के पति शिशुपाल सिंह को भी घटना की जानकारी दे दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित आमासिवनी पुलिस कॉलोनी में रहने वाली जॉली सिंह रोजाना की तरह फेसबुक पेज पर अपने हाल के रील पर आए कमेंट्स पढ़ने लगी। कई कमेंट्स पर तेजी से अंगुलियां सरकाती चली गई, किंतु एक कमेंट पर वह अटक गई। उसे दो तीन बार पढ़ डाला। कमेंट ही कुछ ऐसा था कि उसे बार बार पढ़ने का मन कर रहा था। लो, आपने जो रील बनाई है मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने तो कमाल कर दिया है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था, इसकी कल्पना तक नहीं की थी। सचमुच वंडरफुल, आप यह कैसे कर लेती हैं कि देख करके मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। सच कहता हूँ जॉली जी, आप जैसा इस दुनिया में शायद कोई हो। इसे पढ़ती हुई वह मन ही मन खुश हो रही थी। कमेंट लिखने वाले का नाम जय सिंह था। जॉली का सरनेम भी सिंह होने के कारण उसने भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया और तुरंत कमेंट को लाइक कर लिखा, वेलकम। महज एक शब्द ने जय और जॉली के बीच परिचय और संवाद का दरवाजा खोल दिया था। जल्द ही दोनों सोशल मीडिया पर बातें शेयर करने लगे। एक दिन जय सिंह ने लिखा, मैडम अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। जरूर, आप तो मेरे वेलविशर हैं। इस पर जय सिंह ने अपने दिल की बात लिख डाली, आपको मेरी प्रोफाइल और पोस्ट से पता ही चल गया होगा कि मैं मायानगरी मुंबई में रहता हूं। यहां का वातावरण भी आप समझ सकती हैं, कितना खुलापन है। मगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहकर भी कुछ कम एडवांस नहीं हैं। खुले विचार हैं, आजाद ख्याल रखती हैं, एडवांस हैं। इस मैसेज का जवाब देने से जॉली खुद को नहीं रोक पाई। उसने लिख डाला, अरे आजकल तो पूरा देश रील और इंस्टाग्राम का दीवाना बन चुका है। कल जो टिकटॉक पर थे, आज रील बनाने लगे हैं। देखिए ना, 1.5 मिनट की रील क्या कमाल करती है। मैं तो चाहती हूं कि उसका टाइम और बढ़ा दिया जाए। तुरंत जवाब मैसेज आ गया, अच्छा बहुत जानकारी रखती हैं रील के बारे में आप, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? उसने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं। इसी मैसेज के साथ जॉली सिंह ने अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर दिया। थोड़ी ही देर में जय सिंह ने मोबाइल पर कॉल कर दिया। जॉली ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से मधुर आवाज आई, जी मैं जय सिंह बोल रहा हूँ और मैं रायपुर से जॉली सिंह बोल रही हूँ। जॉली भी अपनी आवाज में शहद घोलते हुए बोली, मैडम मैं एक बार फिर कहूँगा, आप कहाँ छत्तीसगढ़ में हो, आप फेसबुक पर जो रील बनाती हैं उसे देखकर कम से कम मैं तो आपका प्रशंसक ही नहीं एक जबरदस्त मुरीद बन गया हूँ। क्यों, ऐसा क्या खास है मेरी रील में, मैं भी तो जरा सुनूं। जॉली सिंह हंसती हुए बोली। यह सुनते ही जय सिंह को एक सुखद एहसास हुआ और अपनी भावना में तारीफ के शब्द घोलकर व्यक्त कर दिया, आपका हाव भाव, चेहरा, प्रस्तुति सब कुछ अलग है, खास है। दुनिया में आप एकदम अलग हो, लाखों करोड़ों में भी आप जैसा कोई मुझे नजर नहीं आता। अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर जॉली गदगद हो गई। उसने कई बार कहा, जी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, और फिर इस तरह दोनों के बीच अक्सर बातें होने लगी। कभी जॉली तो कभी जय दिन में एक दो बार एक दूसरे को कॉल कर लिया करते थे। एक दिन जय सिंह ने जॉली को कॉल किया,
शुरुआत अनौपचारिक बातों से हुई। इसी सिलसिले में उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं रायपुर आ सकता हूँ आपसे मिलने? मेरे लिए आपके पास समय होगा ना? जॉली ने तत्काल जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपका स्वागत करूंगी, कब आ रहे हैं? आप कहो तो मैं कल सुबह ही आ जाऊं उड़कर। भला कैसे इतनी जल्दी आ जाओगे, मैं मुंबई से रायपुर की पहली उड़ान में ही निकल आऊंगा और सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ऐसा, इतनी जल्दी आ जाओगे, यह बहुत अच्छी बात है, आ ही जाइए, जॉली आश्चर्य से बोली और मिलने की अनुमति भी दे दी। और सचमुच दूसरे दिन दोपहर लगभग 12 बजे जय सिंह मुंबई से रायपुर फ्लाइट से पहुंच गया। उसने एयरपोर्ट से ही जॉली को फोन किया, मैं रायपुर आ गया हूँ, जॉली घबराई आवाज में बोली। मगर मैं बड़ी चिंतित हूँ, हम कहाँ मिलेंगे? तुम्हें मैं बताना भूल गई कि मेरे पति पुलिस में हैं। क्या कहा पुलिस में, यह पहले क्यों नहीं बताया, मैं रायपुर आता ही नहीं। जय को भी घबराहट होने लगी थी। इस पर जॉली हंस पड़ी, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वह यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। मगर सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जब कोई देखे और कुछ पूछे तब कहना कि मैं पार्सल लेकर आया हूँ कुरियर का। यह सुनकर जय सिंह ने चैन की सांस ली। उसने कहा, ओके मैं पहुँचता हूँ। थोड़ी देर में जय टैक्सी से जॉली से मिलने पुलिस कॉलोनी में ब्लॉक नंबर ए पहुँच गया था। उसके सामने जॉली खड़ी थी। जय सिंह उसे देखते ही समझ गया था कि जॉली उस पर पूरी तरह कुर्बान है। उससे मिलने के जुनून में उसने जॉली को अपनी बाहों में भर लिया। जॉली ने भी कोई आपत्ति नहीं की। मंगलवार के दिन 5 मार्च 2024 की रात लगभग 9:30 बजे जॉली सिंह के पड़ोसी तारा सिंह ने देखा कि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। वह चकित हो गया क्योंकि रात के समय ऐसा पहली बार था कि जॉली बिना बताए कहीं गई थी। आधे घंटे बाद तारा सिंह दोबारा बाहर आया, उस वक्त भी ताला लगा हुआ था। इसी दरमियान जॉली सिंह की ननद भावना का तारा सिंह के मोबाइल पर फोन आया। भाभी को मैंने कई कॉल लगाए हैं लेकिन वह फोन नहीं उठा रही है, देखिए कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। क्या बात है? हाँ मैंने भी गौर किया है और मैं खुद चिंतित हूँ, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि अभी भी बहू के घर का ताला लगा हुआ है। पता नहीं क्या बात है, वह कहीं भी जाती है तो बताती है मगर इतनी रात में कहाँ गई होगी, घर में अभी भी ताला लगा हुआ है, तारा सिंह ने भावना को बताया। यह सुनकर भावना और ज्यादा चिंतित हो गई। वह बोली, मैं कई दफा कॉल लगा चुकी हूँ लेकिन फोन नहीं उठ रहा है, पता कीजिए जरूर कुछ बात है, कुछ आशंका हो तो ताले को तुड़वा करके देखिए। भावना की इस तरह की आशंका जताने पर दरवाजे का ताला तोड़ा था। तब कमरे में जॉली सिंह की लहूलुहान लाश मिली। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। रात को लगभग 2 बजे तक पुलिस की जांच चलती रही। पुलिस को वहां मुंबई फ्लाइट का एक टिकट मिला, खून से सने हुए कपड़े मिले, पास ही एक कैंची मिली जो धोई गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद जॉली सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अगले रोज राजधानी रायपुर के अखबारों में जॉली सिंह हत्याकांड की खबर प्रकाशित हुई। जॉली सिंह की संदिग्धावस्था में लाश मिलने की सुर्खियां थीं। यह भी लिखा गया कि उसके पति शिशुपाल सिंह पुलिस आरक्षक हैं और दोनों अलग अलग रहते थे। इस बात की चर्चा के साथ साथ अटकलें लगाई जाने लगीं कि आखिर जॉली सिंह का शव मकान के भीतर कैसे मिला, दरवाजे पर ताला किसने लगाया था। एसएचओ दीपक पासवान ने जॉली सिंह हत्याकांड में भादंबी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी संतोष सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर पुलिस टीम को जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े के निर्देश दिए। जॉली सिंह के बारे में पुलिस ने तमाम जानकारियां जुटाई। उसकी मां सुलोचना देवी बताया कि जॉली सिंह और शिशुपाल सिंह का विवाह 2012 में हुआ था। शिशुपाल पुलिस की नौकरी में है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ समय से बेटी और दामाद के संबंधों में कड़वाहट घुली हुई थी। दोनों अलग अलग रहते थे, तलाक लेना चाहते थे लेकिन तलाक नहीं हुआ था।
शिशुपाल सिंह हर महीने 10,000 रुपए भी जॉली को खर्चे का दिया करता था। जॉली की मौत पर उसके पिता सूरज सिंह भी काफी आहत हो गए थे। उन्होंने पोस्टमार्टम किए जाने वाले अस्पताल पर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने पुलिस की जांच टीम को गुस्से में कहा, हमें यहाँ के पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं है, कहीं अन्य पोस्टमार्टम होना चाहिए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने एसएचओ दीपक पासवान के नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें साइबर क्राइम के योग्य अधिकारियों को शामिल किया गया। एसपी संतोष सिंह ने सभी के साथ मीटिंग कर 7 दिनों के भीतर इस मामले का खुलासा करने के सख्त निर्देश दिए। एसपी संतोष सिंह के निर्देश के बाद मृतका के पति शिशुपाल सिंह को थाने बुलवाया गया। उससे लगभग 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। उसने पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सहजता के साथ जवाब दिया, किंतु जब यह पूछा गया कि क्या उसका मुंबई आना जाना होता है, तब वह चौंक गया और बोला, नहीं सर, मेरा मुंबई से भला क्या नाता जो वहां आना जाना होगा। हमें घटनास्थल पर रायपुर से मुंबई के फ्लाइट की एक टिकट मिली है, पुलिस ने बताया। तो फिर पता कीजिए टिकट किसके नाम है, शिशुपाल तुरंत बोला। इसका मतलब जॉली के हत्यारे का संबंध इस टिकट से है। पुलिस ने जब इस बारे में तहकीकात की तब पता चला कि यह टिकट जय सिंह नामक व्यक्ति ने खरीदी थी। पुलिस को देर शाम एक व्यक्ति ने थाने में आकर एक मोबाइल फोन जमा करवाते हुए कहा कि यह मोबाइल फोन उसे टैक्सी स्टैंड के पास मिला है। वह मोबाइल साइबर टीम को सौंप दिया गया। पुलिस यह जानकर चौंक गई क्योंकि मोबाइल मृतका जॉली सिंह का था। पुलिस को मोबाइल की कॉल हिस्ट्री की जांच के बाद जॉली सिंह की हत्या में जय सिंह नामक व्यक्ति के हाथ होने का संदेह और मजबूत हो गया। तत्काल पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। पुलिस ने जय सिंह की फ्लाइट टिकट के आधार पर उसका पता ठिकाना ढूंढ लिया था। वहां उसके बारे में मालूम हुआ कि वह एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में पता चला कि वह कई दिनों से अपने गाँव गया हुआ है। पुलिस टीम बैरंग रायपुर लौट आई। जय सिंह भदोही संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जिन दिनों छत्तीसगढ़ की पुलिस उसकी तलाश में मुंबई गई थी, उन दिनों वह अपने घर भदोही आया हुआ था। अपने घर जय सिंह कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी उसे किसी ने झिंझोड़कर जगाया था। उसने आंखें खोली तो सामने कुछ अपरिचित लोगों को देखकर घबरा गया। हड़बड़ी और टूटी आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या बात है जो मुझे इस तरह जगा दिए, कौन हैं आप लोग? मिस्टर जय सिंह, हम रायपुर से तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, कहकर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम ने जय सिंह को दबोच लिया और कहा, तुम पर रायपुर में एक हत्या का आरोप है, तुम्हारे खिलाफ हमें सारे सबूत मिल चुके हैं। इस पर घबराकर पलंग पर उठ बैठे जय सिंह ने कहा, मगर आप लोगों को मेरे घर का पता कैसे चला, यह तुम्हें हम बाद में बताएंगे, पहले तुम यह बताओ कि तुमने जॉली सिंह को क्यों मारा, तुम्हारा उससे कब से परिचय था। यह सुनते ही जय सिंह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह टूट गया और सब कुछ बताने को तैयार हो गया। पुलिस टीम उसे रायपुर ले आई। उसने बगैर किसी लाग लपेट के अपनी करतूत की सारी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान जॉली का टिकटॉक पर वीडियो देखा था। वह उसे लाइक करने लगा था। अचानक जुलाई में उसका वीडियो दिखना बंद हो गया। दोस्तों से मालूम हुआ कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। उसे बहुत निराशा हुई। वह सोशल साइट पर जॉली के छोटे छोटे वीडियो ढूंढने लगा। इसी क्रम में उसे सितंबर 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छोटे रील्स मिले, जो मात्र 15 सेकंड के थे। उस पर सर्च किया तब जॉली का वीडियो वहां मिल गया। उसने समझ लिया कि उसकी किस्मत अच्छी है जो जॉली का वीडियो मिल गया। उसने उसे तुरंत फॉलो कर दिया। इस तरह जय सिंह पर एक बार फिर से जॉली की दीवानगी छा गई। वह उससे मोहब्बत कर बैठा था। कोरोना का दौर खत्म होते ही वह जॉली से मिलने के लिए रायपुर जा धमका। वे छिप कर मिलते रहे। किसी को उनके प्रेम संबंध की भनक तक नहीं लगी। हालांकि जय सिंह विवाहित था। गांव में उसकी पत्नी बच्चों के साथ रहती थी। जॉली भी शादीशुदा थी, लेकिन पति शिशुपाल सिंह से विवाद के कारण अकेली रहती थी।
फिर भी जॉली और जय के बीच संबंध मधुर होते चले गए। जॉली से मिलने के लिए जय रायपुर महीने दो महीने के अंतराल पर जाने लगा। एक रोज जॉली ने उस पर विवाह करने का दबाव बनाया। इस पर जय ने इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकता है। इस पर वह नाराज हो गई और जय को जेल भेजने की धमकी देने लगी। जब जय 5 मार्च 2024 को उसके घर मिलने पहुंचा, तब जॉली गले लगते ही उससे विवाह करने की जिद कर बैठी, जिससे उसका मूड खराब हो गया। जॉली की जिद और बर्ताव को देखकर जय बौखला गया। वह गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ जॉली भी आपे से बाहर आ गई। दोनों के बीच तूतू मैमै के साथ गाली गलौच तक होने लगी। जय ने भी उसे गाली दी और धक्का दे दिया। वह गिर गई, माथे पर चोट आ गई और खून निकलने लगा। तभी जय को ख्याल आया कि क्यों न इसका काम तमाम कर दिया जाए। रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। पास ही रखी एक कैंची उठाकर जय ने उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। जॉली बेजान हो गई। इसके बाद जय ने उसके शव को घसीटकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। खून से सनी कैंची को पानी से धोया और वहां बैठ करके बहुत देर तक रोता रहा। कुछ समय बाद जय वहां से बाहर निकला। उसने निकलते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया। जॉली का मोबाइल भी उसने साथ रख लिया, मगर वह हड़बड़ी में कहीं गिर गया, इसका पता ही नहीं चल। फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिली, वह भी कहीं गिर गई थी। जय सिंह द्वारा हत्या का अपराध कबूल करने के बाद अमासिवनी पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर के समक्ष पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।